टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ईशान सभी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। भाई इतना ज्यादा गुस्सा कि ना तो सभी से बात करना चाहेगा और ना ही सभी के बारे में। ईशान के गुस्से को और भी ज्यादा भड़काने वाली है सुरेखा। वो ईशान को ध्रुवा के साथ मिलकर सभी के खिलाफ भड़काती रहेगी और इन सब का नतीजा निकलेगा कि सभी और ईशान दोनों के बीच गलतफहमियां और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। वेल, अब प्रतीक को यहाँ पर सभी को लेकर काफ़ी ज़्यादा दया आने वाली है। प्रतीक को एहसास होने वाला है कि सभी भोसले परिवार में पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है और ईशान जिस तरह से सभी के साथ बर्ताव कर रहा है सभी पर इसका गलत असर पड़ेगा। यहाँ पर प्रतीक करेगा फैसला ईशान को समझाने का। आप देखेंगे शो के आगे आने वाले एपिसोड में प्रतीक ईशान को समझाने की कोशिश करेगा। वो ईशान को अपने पास मिलने के लिए बुलाएगा। ईशान अपने दिल का हाल बांटने के लिए प्रतीक के पास जाएगा लेकिन वहाँ प्रतीक कहेगा ईशान से सभी की असली माँ के बारे में। प्रतीक कहेगा ईशान को कि सभी अपनी माँ को खो चुकी है, अपना कहने के लिए सभी के पास कोई नहीं है और अगर वो भी सभी का साथ नहीं देगा तो सभी काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ जाएगी। अगर वो भी इस तरह से सभी को इग्नोर करेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप देखेंगे आगे आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा जहां पर अब ईशान प्रतीक की बातें सुनकर सभी को लेकर ज़रा इमोशनल होने वाला है। ईशान को भी इस बात का एहसास होगा कि उसे साथ फिलहाल सभी का देना चाहिए। अब ईशान क्या करता है देखना होगा।